हेलो एंड वेलकम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में है तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन देखिए आज का जो डिस्कशन रहेगा हम उसमें देखेंगे व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसके बाद बींग ए न्यू कंसेप्ट वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बिकॉज इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी नया कंसेप्ट है और नाइन्टीन में ही अब एज ए कंसेप्ट सामने आया है उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस कि किस तरीके से एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन वर्क प्लेस में बेटर वे में काम कर सकता है अपने इन्वामेंट को बेटर बना सकता है अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है तो ये उसके बाद क्या हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ा सकते हैं तो क्या क्या वेज हैं उसको बढ़ाने के तो आइए स्टार्ट करते हैं देखिए बिफोर मूविंग टू इमोशनल इंटेलिजेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वट इंटेलिजेंस इज सो इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली एक्ट परफेजफुल एंड डील विद इट्स इन्वायरमेंट इफेक्टिवली बड़ी ही सिंपल बात है कि ये कैपेबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की क्या टू थिंक रैशनली मतलब लॉजिक के साथ तो सोचना एक्ट परपजफुलर्पज purpose के लिए काम करना और डील विद इट्स एन्वायरमेंट इफेक्टिवली तो अपने वातावरण के साथ इफेक्टिवली डील करना इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस अगर ये इंटेलिजेंस है सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईक्यू एंड इंटेलिजेंस सो इंटेलिजेंट इज द कैपेसिटी एंड द वैल्यू गिवन टू दैट कैपेसिटी इज आईक्यू फॉर एग्जांपल Uh, ये कैपेसिटी है एक्स वाई जेड और जब उसको हम वैल्यू देते हैं एक दो पाँच सौ तो वो हो जाएगा आई ठीक है सो आई इज यूज टू डिस्क्राइब द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ अ पर्सनस मेंटल कैपेबिलिटी ये कैपेबिलिटी है और कितनी है वो हो जाएगा हमारा आई देर आर वेरियस टेस्ट डन टू नो द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे टेस्ट है मार्केट के अंदर आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए इमोशंस आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसिस सब्जेक्टिव मतलब हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल जिसमें फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है मतलब अपनी बॉडी का फिजियोलॉजिकल लेवल पे चेंज आता है फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आया तो बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे एंड कॉग्नेटिव अप्रेजल आप उनको कोग्नेटिवली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि समथिंग इज चेंजिंग इन माय बॉडी ठीक है तो ये दो चीजें होती हैं नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ऑन एंड अदर्स इमोशंस इफेक्टिवली बड़ी सही बात है भाई ये एक कैपेबिलिटी होती है ऐसी कैपेबिलिटी जिसमें इंसान खुद की और दूसरों की इमोशंस को समझ पाए और उनको मैनेज कर पाए इफेक्टिवली तो सबसे पहले तो खुद की ही मैनेज करेगा और अगर खुद की इमोशन जानता है तो वो दूसरों की इमोशंस को भी इफेक्टिवली मैनेज करना समझ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इमोशनल क्वेश्चन बिल्कुल सही बात है भाई वो कैपेबिलिटी कितनी है उसकी अगर वैल्यू टर्म्स या न्यूमेरिकल टर्म्स में बात करेंगे तो हम उसको इमोशनल क्वेश्चन कहेंगे इट कैन बी इम्प्रूव विद ट्रेनिंग एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको जब आईक्यू की बात आती है तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं साइंटिस्ट हैं दे आर सेंग दैट आफ्टर सर्टन एज आई क्यू कैन नॉट बी इम्प्रूवड मतलब उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो कुछ कहते हैं कि चार तक ही मैक्सिमम काम हो लेता है कुछ बोलते हैं कि चौदह पंद्रह जो है लास्ट है उसके बाद आई क्यू आपका नहीं बढ़ सकता ठीक लेकिन ये सच्चाई है कि ई क्यू आपका बढ़ सकता है क्यूँ है क्या कि अपनी इमोशंस को समझना और दूसरों की इमोशंस को समझना तो ये कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है दिस इज फॉर श्योर बट आई के बारे में कोई मना कर रहा है कि नहीं बढ़ाई जा सकती और कोई कह रहा है कि बढ़ाई जा सकती है नेक्स्ट है इन नाइनटीन नाइनटीज स्लो एंड मेयर गिव दैट ए आई इज एन एबिलिटी और कौन सी एबिलिटी है वो टू परसीव इमोशंस देखो उसके अकॉर्डिंग चार एबिलिटी हैं एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर परसीविंग इमोशंस emotions. emotions को देख पाना समझ पाना कि किसी के चेहरे को देख के उसको गुस्सा आ रहा है उसको खुशी हो रही है उसके बाद यूज़ इमोशंस टू फैसिलिटेट thought, उस इमोशन का इस्तेमाल करके सोच पाना अब किसी का चेहरा देखा उसके चेहरे पे है गुस्सा तो गुस्सा उसका शांत करने के लिए वो अपना सोचेगा ना तो सोचने सोचने के लिए थॉट का वो इस्तेमाल करेगा ठीक है तो उन्हीं इमोशंस का इस्तेमाल करके वो सोच रहा है ताकि उसके गुस्से को रोक सके अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस खुद की इमोशंस को समझ पाना और चौथा होगा उसके अंदर एपेबिलिटी होती है मैनेज द इमोशंस समझने के बाद उनको मैनेज भी तो करना है ना आपको पता तो चल गया आप गुस्से आदमी हो लेकिन उनको मैनेज कैसे करना है मेडिटेट करोगे काउंसलिंग लोगे तो ये चार कैपेबिलिटी होती है कि इमोशनली इंटेलिजेंट के अंदर फिर 1995 में डेनियल गोलमैन जो है वो कहते हैं कि देर आर फाइव एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या क्या बीइंग सेल्फ अवेयर सेल्फ अवेयर होना कि भाई मुझे क्या इमोशंस आती हैं कब आती हैं कौन सी कौन सी सिचुएशन में आती हैं तो इंसान अपने बारे में अवेयर रहता है उनको मैनेज कर पाना इमोशंस को कि भाई गुस्सा आता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँ ठीक है तो उनको मैनेज कर पाना एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की खासियत होती है उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन अब मैनेज आप तभी कर पाओगे जब आप मोटिवेटेड हो मान के चलो कोई गुस्सेला आदमी है और उसने ये मान लिया कि मेरे को तो आता है भाई गुस्सा मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हो लेकिन आप सेल्फ मोटिवेटेड हो कि मुझे गुस्सा आता है और मुझे इसको ठीक करना है दैट इज़ वेरी असेंशियल एक इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी के लिए देन रिकोगनाइजिंग द इमोशंस उसके बाद रिकोगनाइज कर रहे हो आप कि हाँ यार ये तो आ रही है और मुझे इसको मैनेज करना है एट द एंड हैंडलिंग द रिलेशनशिप तो क्यों मैनेज कर रहे हो आप इमोशंस को इसीलिए ना कि खुद के साथ रिलेशनशिप आप ठीक कर पाओ और दूसरों के साथ आप रिलेशनशिप ठीक कर पाओ ठीक है तो ये खास बात होती है एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी के अंदर अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन योर इंटेलिजेंस जेंट पीपल क्या क्या खास बात होती है बारे में जानते हैं वो कि मेरे को कहाँ कहाँ कौन सी कौन सी इमोशंस आती हैं नेक्स्ट है दे एम्बरेस चेंज एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी को पता होता है दैट चेंज इज बेसिक रूल ऑफ नेचर तो वो बदलाव लाने से घबराते नहीं है उनमें लॉ ऑफ इनर्शिया इतना ज्यादा हावी नहीं होता कि दे वॉन्ट टू स्टेट इन पर्टिकुलर मोशन वो बदल लेते हैं अपने आप को जल्दी जल्दी दे शो एम्पथी वो जो है एम्पथी दिखाते हैं सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वट इज डिफरेंस बिटवीन एम्पथी सिंपथी एंड कंपैशन एम्पथी सिंपथी एंड कंपैशन सिम्पत्ति क्या होती है फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से जा रहे हो एक्सीडेंट हो गया और आपने बस एक बार गाड़ी रोकी और ये बोला अरे यार ये तो बहुत गलत हुआ यू जस्ट मेंटली रिकग्नाइज और अपने शब्दों से बस काम चला लिया और आगे निकल लिए एम्पथी क्या होगा एम्पथी में आप अपने आप को दूसरे की जगह मतलब खड़ा करके देखते हो पुटिंग योर सेल्फ इन अनदर्स शू दूसरे के जूते में अपना पैर डाल के देखते हो कि यार इसका एक्सीडेंट हो गया इसको कितना बुरा लग रहा होगा अगर वो रो रहा है तो शायद आप भी रोने लग जाओ तो मतलब एम्पैथेटिक हो आप उसका दुख दर्द फील कर पा रहे हो नेक्स्ट इज कंपैशन आप सिर्फ फील नहीं कर पा रहे हो उसको यू आर टेकिंग एक्शन उसको दूर करने के लिए दुख को दूर करने के लिए आप एक्शन भी ले रहे हो दैट इज़ कंपैशन और एक कंपैशनेट पर्सन वही हो सकता है जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो दे परस्यू प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई परफेक्शन इज अ डिजीज बीमारी है ये एक तरीके से तो वो क्या करते हैं वो प्रोग्रेस की सोचते हैं ना कि परफेक्शन की दे है बैलेंसड लाइफ अगर आपने जैकमा का नाम सुना हो जैकमा चाइनीज एंटरप्रनोर हैं वो उनकी कंपनी है बहुत बड़ी जैसे अमेजन है इस तरीके की वो ये कहते हैं कि इंसान को ना एवरेज होना चाहिए लेकिन जो नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में भी आपको पढ़ाई में भी म्यूजिक में भी भाग लो मतलब जहाँ पॉसिबल हो अगर वहाँ सब पे आप एवरेज हो ना यू विल बिकम एक्सेप्सनलीवेल हर फील्ड के अंदर तो आपको एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए अगर आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनना चाहते हो तो दे आर क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं वो दे आर ग्रेटफुल फॉर वट हैव भाई उनके अंदर संतुष्टि होती है एंड दे हैव बहुत कम लोगों में पाया जाता है ये दोज हु आर इमोशनली इंटेलिजेंट हैव दिस स्ट्रेट ग्रेटिट्यूड या कोई उनके काम आया है देन दे थैंक हिम वेरी हार्टफुली यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो दे एक्सप्रेस देम सेल्फ असर्टिवली दो चीजें होती हैं असर्शन एंड अग्रेशन असर्शन ये होता है कि यस दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू मी बट मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन जो अग्रेसन होता है कि नहीं मैंने बोला तो ये ये है तो ये ठीक ही है तो ये असर्टिव होते हैं अग्रेसिव नहीं होते दे आर रिसेप्टिव टू फीडबैक दिस इज़ वेरी वेरी असेंशियल कंपोनेंट इफ़ यू वांट टू इंप्रूव यूर इमोशनल इंटेलिजेंस तो आपको फीडबैक्स के ऊपर काम करना होगा अगर आपको कोई किसी बात पे फीडबैक दे रहा है और नेगेटिव है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है तो आप रीजनिंग देने लग जाते हो नहीं ये तो उसकी वजह से हो गया था उसकी वजह से हो गया था लेकिन अगर आप बैठ के उसको सोचते हो कि नहीं सच में यहाँ प्रॉब्लम है और मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इन दैट केस फीडबैक विल वेरी वेरी असेंशियल फॉर एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस तो so, क्या इंपॉर्टेंस है भाई वी आर एबल टू मैनेज आवर रिलेशन्स बेटर इन पर्सनल एंड सोशल स्पेस बिल्कुल सही बात है भाई एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी अपने साथ और दूसरों के साथ सोसाइटी के अंदर भी अच्छे रिलेशन बना पाता है इट हेल्प्स इन मैनेजिंग आवर इमोशंस एंड इमोशंस हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आप फ़िज़िकली और मेंटली भी काफ़ी हेल्दी रहोगे बिकॉज इफ़ यू हैव डिस्ट्रक्टिव इमोशंस इन दैट केस यू विल डिस्ट्रॉय योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ फॉर एग्जाम्पल जेलसी एंगर एन ये सारी की सारी इमोशंस जो हैं आपके फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैन हेल्प अस इंप्रूविंग आवर परफॉर्मेंस एट वर्क प्लेस बिल्कुल सही बात है भाई अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एक पूरा टॉपिक है इस पर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इफ दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट सिर्फ आई मदद नहीं करता है आप में अच्छा ई भी होना चाहिए इसके हम कई एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ओसामा बिन लादेन उनका आई तो काफ़ी हाई था लेकिन ई लो था ही वॉज मास्टर्स इन इन इंजीनियरिंग जो ओसामा बिन लादेन था उन्होंने मास्टर्स कर रखी थी इंजीनियरिंग में बट उनका जो इमोशनल क्वेश्चन था दैट वॉज वेरी लो दैट इज़ वाई ही फॉलोड द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन ही डिड नो थाट ऑफ अदर्स उन्हें दूसरों के बारे में सोच, नहीं सोचा और कितनी ही जो लाइव्स हैं बर्बाद कर दी नाइन इलेवन में कौन सी इमोशन डोमिनेट कर रही थी नाइन इलेवन के टाइम पे नाइन इलेवन के टाइम पे जो थी बदला रिवेंज वो काम कर रहा था ठीक है तो ही वॉज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन देखो क्या क्या तैयार किया कहाँ कहाँ लोगों को ट्रेन करवाया फिर ट्विन टावर्स में टक्कर मरवाई कितना इंटेलिजेंट आदमी था वो और पढ़ाई भी काफ़ी हाई लेवल की कर रखी थी उसने लेकिन किसके लिए इसके लिए रिवेंज के लिए ये एक लाइव एग्जांपल आपके सामने है कि आई हाई हो सकता है लेकिन वो किसी काम का नहीं है अगर इमोशनल इंटेलिजेंस उनका सही नहीं है तो ई ईक्यू इज़ वेरी एसेंशियल वैसे भी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप मैथ्स में बड़े अच्छे हो लेकिन आपके फादर चाहते हैं आप डॉक्टर बनो तो एक इमोशन जो है वो फियर की कि कहीं आपके फादर को बुरा ना लग जाए तो आपने बायो ले लिया एलेवेंथ में और मैथ्स को छोड़ दिया तो ये क्या है दिस इज इमोशनल फुलिसनेस नेक्स्ट इज रोल ऑफ ई क्यू एट वर्क प्लेस नॉट मिक्सिंग पर्सनल इमोशंस विद वर्क बिल्कुल सही बात है जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो खुद की इमोशंस को अपने काम के साथ मिक्स नहीं करते घर पे लड़के गए हैं तो अपने इंप्लॉयज के साथ नहीं लड़ेंगे वो जाके दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस एट वर्क इमोशनल इंटेलिजेंस एम्पार्ट्स वेरी गुड स्किल्स सच एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल एंड टीम वर्क कैसे कैसे देखो उनको वन बाई वन देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे आएगा अगर आपके अंदर एम्पैथी है आप अपने आप को दूसरों की जगह रख के देख पाते हो तो एम्पैथी आएगा एम्पैथी आएगा तो दूसरों को आप समझ भी पाओगे समझ पाओगे तो उनके साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे और जब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे किसी के साथ तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल और टीम वर्क अपने आप आ जाएगा क्योंकि अगर आप किसी को बोलने से पहले उसको आप समझ पा रहे हो उसकी इमोशंस को उसकी भावनाओं को तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो ईक्यू का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोदी मोदी को अगर आप अकेडमिकली देखोगे ही इज नॉट दैट मच सक्सेसफुल दसवीं बारहवीं मैक्सिमम पास होंगे उन्होंने बाद में जो भी किया एमय में डिस्टेंस से वो अलग बात है लेकिन

भाई अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हो कॉपरेट कर पाते हो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इज मोर लाइकली टू ट्राई न्यू थिंग्स टेक रिस्क फेस न्यू चैलेंजेस बिल्कुल सही बात है वही अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो फ़ियर को आप समझ पाओगे और अगर आप फियर को समझ पाओगे तो आप रिस्क ले पाओगे देखो दो चीजें होती हैं एक किसी चीज को सप्रेस करना एक समझ के उससे डील करना अगर आप फियर को सप्रेस करोगे देन इन दैट केस काफी डेंजरस हो सकता है लेकिन अगर आप उसके कारण पता चल जाते हैं कि का क्या कारण है तो आप रिस्क ले सकते हो और रिस्क लेगे तो लाइफ में पता नहीं कहाँ कहां पहुंच जाओगे नेक्स्ट है हाउ टू इंप्रूव ई मैंने आपको बताया था कि आई क्यू के बारे में वी आर नॉट श्योर एंड सर्टन वेदर इट कैन बी इम्प्रूव बट फॉर ई क्यू वी आर श्योर एंड सर्टन दैट इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी इम्प्रूव्ड कैसे टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंट वन शुड बी मोर अवेयर अबाउट इट्स ओन इमोशन सबसे पहले तो खुद की इमोशंस को समझना सीखेंगे कि भाई हमारी कौन सी इमोशन डोमिनेट करती हैं क्यों करती हैं क्या कारण आते हैं क्या 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 टाइम है जब हमारे अंदर एक पर्टिकुलर इमोशन आती है तो वो चीजें समझना होगा रेगुलेट इमोशन इन ए हेल्दी वे फिर उनको रेगुलेट भी करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि समझ के छोड़ दिया भाई गुस्सा आता है तो आता है नहीं कि गुस्से को मुझे रेगुलेट करना है कंट्रोल कर रहा है इंप्रूव सोशल स्किल अगर आप सोशली एक्टिव हो जाओगे ना तो धीरे धीरे इमोशनल इंटेलिजेंस आपका वैसे ही बढ़ता जाएगा जितना लोगों से कम्युनिकेट करोगे उनकी भावनाओं को समझ पाओगे उतना ही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा एम्पथी प्लेज ग्रेट रोल इन इंप्रूविंग इमोशनल इंटेलिजेंस अभी आपको बताया था कि अगर अपने आप को दूसरों की जगह रख पाओगे तो आपके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा ये सबसे इफेक्टिव टूल है वो एम्पथी इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल आर गुड एट स्टेपिंग इन टू अनदर पर्सन शू एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे फील बिल्कुल सही बात so this was all about emotional intelligence thank you for watching see you in next video